भारत में नागरिकों को बोलने तथा पुलिस कार्रवाई के खिलाफ और पुलिस के साथ बदसलूकी करने का कितना घर है, इसका जीता जागता उदाहरण लुधियाना शहर के अत व्यस्त व मशहूर चौराहे बहादुरनगर चौक में उस समय देखने को मिला जब महिला ट्रैफिक कर्मी ने बिना हेलमेट पहने एक स्कूटर सवार लड़की को रोक लिया। बस फिर क्या था, लड़की ने हंगामा खड़ा कर दिया और तुरंत फोन करके अपने परिजनों को बुला लिया और परिजनों ने आगे अपने परिचितों को भी बुला लिया। फिर शुरू हुआ पुलिस को धमकाने और बदसलूकी का दौर। लगभग 10 पुलिस वाले सबको शांत कराने में लगे रहे, लेकिन गुस्साया व्यक्ति शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार पुलिस को धमकाता रहा और उन्हें सस्पेंड करवाने की चेतावनी देता रहा। वो व्यक्ति अपने आप को स्थानीय विधायकों का करीबी बताकर रोब झाड़ता रहा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लुधियाना के ESI अस्पताल के पास हंगामा कर रहे इस व्यक्ति की फर्नीचर की दुकान है। ये माजरा लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। लड़की रोती रही और रोते रोते महिला पुलिस कर्मियों पर उल्टे बदसलूकी का आरोप भी लगाती रही। महिला पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी की या नहीं, इसका कोई सबूत सामने नहीं आया। जबकि लड़की के परिजन तथा जानकार करीब 1 घंटे तक तमाम भीड़ के बीचों बीच यातायात पुलिस के साथ बदसलूकी करते रहे। यह मंजर सबने देखा और यह मंजर मीडिया के कैमरे में भी कैद हो गया। पूरी जमान में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन मीडिया के कैमरे में के सामने आकर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। जागृति लहर के लिए लुधियाना से बलराज खन्ना की रिपोर्ट।